Hey guys, welcome back to Sweet Chilies 2.0. Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं Knowledge TV हिंदी की एक अनदर वीडियो. नोटों की गिनती जारी है, नहीं खत्म हो रहे हैं, हो रहा है कैश. मिली नई तिजोरी, ओ भगवान. कानपुर रेड केस, बिग रिवील. भाई साहब, चलो यार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, भाई साहब ये नोट की गड्डियां हैं. अबे इतना तो यार रिजर्व बैंक में नहीं होगा. ओ भाई, नोटों पे डेढ़ सौ करोड़ नहीं भैया, ये तो आंकड़ा 257 से भी आगे 300 क्रॉस करेगा लग रहा है. क्या लगता है आपको, 150 करोड़ की कहानी तो बड़ी छोटी थी, अब तो नोटों की गिनती जारी और खत्म ही नहीं हो रहा है कैश. मिली नई तिजोरी और भी ज्यादा धन पकड़ाने वाला है पीयूष जैन जी का. कानपुर से बरामद हुए 250 करोड़ से भी ऊपर की रकम और मिलती ही जा रही है. कहां से आया इतना सारा पैसा? और एक बात और, क्या लगता है आपको, क्या करती होगी सरकार इन पैसों का जो इस किस्म की फाइनेंशियल रेट्स में जब्त किए जाते हैं? क्या होगा इन 250-300 या पता नहीं कितने 100 करोड़ रुपयों का जो रेड से मिलेगी सरकार को, पैसों का कहां इस्तेमाल होगा? कभी सोचा है आपने? कानपुर परफ्यूम टेंडर, हे भगवान. चलिए जानते हैं कहां है भैया उनकी नई तिजोरी पीयूष जैन जी की, और कितना कैश अभी भी नुगल ही रही है, और क्या करती है सरकार इसका. हालांकि पीयूष जैन फिलहाल कानून की गिरफ्त में है और उनके घर से 250 करोड़ रुपए से ऊपर बरामद हो चुके हैं. लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये 250 करोड़ रुपए का सरकार क्या करने वाली है. इसी तरह इनकम टैक्स की रेड में बरामद किए गए पैसों का आखिर क्या होता है, सरकार इन पैसों का कैसा इस्तेमाल करती है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? तो आइए आज हम आपको बता दें कि सरकार इनकम टैक्स के छापेमारी के दौरान बरामद किए गए पैसों के साथ करती क्या है. दोस्तों, इनकम टैक्स की रेड धारा 132 के तहत की जाती है. इसके तहत इनकम टैक्स के अधिकारी किसी भी व्यक्ति या उसके घर पर छापेमारी कर सकते हैं. इनकम टैक्स के अधिकारियों को जिस व्यक्ति पर शक होता है या उन्हें कहीं से टिप मिलती है यानी कि सूचना मिलती है, तब जाकर आयकर विभाग उस जगह पर छापेमारी की कार्यवाही शुरू करता है. छापेमारी के दौरान बरामद की गई धनराशि को सीज कर लिया जाता है. इसके बाद व्यक्ति को समय दिया जाता है कि रेड के दौरान बरामद की गई ज्वेलरी के सभी डॉक्यूमेंट दिखाकर उन्हें क्लेम कर ले. रही बात कैश की, तो रेड के दौरान बरामद की गई धनराशि के लिए अगले व्यक्ति को सोर्स ऑफ इनकम बताना पड़ता है कि आखिर उसने इतनी सारी धनराशि कहां से अर्जित की. सही सोर्स पता करने के बाद जिस समय तक इनकम टैक्स नहीं भरा गया है उससे पूरा का पूरा इनकम टैक्स भरवाया जाता है, साथ ही पेनल्टी भी लगाई जाती है. लेकिन अगर मामला थोड़ा बहुत भी गड़बड़ लगता है, अगर अधिकारियों को ऐसा लगता है कि इस धनराशि को गलत तरीके से अर्जित किया गया, तब गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. इसके बाद कई मामलों में व्यक्ति को लंबे समय तक जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है. इसी तरह पीयूष जैन का मामला भी साफ साफ समझ में आ रहा है कि उन्होंने बकायदा टैक्स की चोरी की है, जिसके लिए अब वो लंबे समय तक जेल यात्रा कर सकते हैं. अब सवाल ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति सही सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता पाता तो उन पैसों का क्या होता है. आपको बता दें कि ऐसे पैसे सरकार की ट्रेजरी में शामिल कर लिए जाते हैं. इसके बाद इन पैसों का इस्तेमाल डेवलपमेंट के कार्यों में किया जाता है, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के कई तरह के कार्यों में इस पैसे का उपयोग होता है. तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि सरकार इनकम टैक्स की रेड में बरामद किए गए पैसों का क्या करती है. लेकिन दोस्तों यहाँ पर पीयूष जैन का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर 5-10 करोड़ की बात नहीं, 250 करोड़ से ऊपर, और शायद यहाँ आंकड़ा 300 भी पार कर सकता है, क्योंकि पीयूष जैन से पूछताछ अब भी जारी है और नई नई तिजोरियां निकल रही है. पता नहीं कितना कैश उगलेंगी ये तिजोरियां. हैरानी की बात यह है कि पीयूष जैन को देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता कि एक धन कुबेर है. यहाँ तक कि उनके गांव वाले, उनके पड़ोसी भी सकते में है कि आखिर पीयूष जैन के पास इतने पैसे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनका रहन सहन बिल्कुल आम इंसानों जैसा था. या आज भी पुराने स्कूटर में चलते हैं, आप मानेंगे कि पुरानी कार का इस्तेमाल करते थे और इनकी सिक्योरिटी में भी कोई नहीं होता था. इन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये 250 करोड़ 300 करोड़ के मालिक हैं. वैसे आपको बता दें पेशे से पीयूष जैन इतने कारोबारी हैं, साथ ही साथ पान मसाले का व्यापार भी करते हैं. हाल ही में इन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था, जिसका नाम इन्होंने अत्तर नगरी रखा था. लेकिन दोस्तों इलेक्शन से ठीक पहले इस कार्यवाही ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल यूटर्न ले लिया है. इस कार्यवाही के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाते आ रहे हैं, जैसे कि पहले भी होता रहा है. इस मामले में बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने ट्वीट तक कर डाला है कि उन्हीं के घर में छापेमारी की गई है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम को लॉन्च किया था.
यानी कि संबित पात्रा सीधा साधा सीधी सीधी सीधा साधा समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन विजय द्विवेदी ने इसका जवाब दिया, ये पीयूष जैन अकेले नहीं है जिन्होंने समाजवादी परफ्यूम को लॉन्च किया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बिजनेसमैन का लिंक समाजवादी पार्टी से बिल्कुल भी नहीं है। आगे कहते हैं कि बीजेपी समाजवादी पार्टी की छवि को खराब करने की नाकाम कोशिश कर रही है। विजय द्विवेदी आगे कहते हैं कि इस मामले में जो कोई भी दोषी पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई हालांकि ऐसे मामलों में राजनीतिक हलचल तो होती है, लेकिन पीयूष जैन की एक गलती की वजह से इनके नोटों की महक आयकर विभाग के नाक तक पहुंच गई। असल में कुछ दिन पहले अहमदाबाद के DGGI को जानकारी मिली कि कानपुर के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन बिना ई वे बिल जनरेट किए फर्जी रसीद बना रहे हैं और टैक्स की चोरी कर रहे हैं। बस फिर क्या था, सूचना मिलते ही DGGI की टीम ने ट्रांसपोर्टर के घर और दफ्तर में छापेमारी कार्रवाई की। इस छापेमारी के दौरान DGGI की टीम को एक और सप्लायर के ठिकाने का पता चला और वो सप्लायर कोई और नहीं बल्कि पीयूष जैन थे। इसके बाद DGGI की टीम ने पीयूष जैन के कानपुर के आवास व फैक्ट्री को खंगालना शुरू किया। एक टीम इनके पुश्तैनी घर कन्नौज में पहुंच गए। DGGI की टीम इनके कोल्ड स्टोरेज, पेट्रोल पंप, दफ्तर हर जगह पहुंच गई और फिर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। छापेमारी के दौरान घर के कोने कोने से नोटों की गड्डियां बरामद होने लगी। नोटों का इतना बड़ा अंबार लग गया कि DGGI की टीम ने तुरंत इसकी सूचना इनकम टैक्स को दी। लोग नोटों पे बैठे हुए हैं, इतनी मतलब जगह है नहीं है उन नोटों को रखने की, छापेमारी की कार्रवाई जगह नहीं है घर में भगवान। इस कार्रवाई के दौरान कुछ ही देर में पैसों का इतना बड़ा अंबार लग गया कि उसे गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए। एक तरफ पैसों की गिनती चल रही थी तो दूसरी तरफ लगातार घर के हर कोने से नोटों की गड्डियां निकल रही थी। आखिरकार अधिकारियों को नोटों की इन घड्डियों को गिनने के लिए काउंटिंग मशीन्स बुलानी पड़ी। इन कुछ ही देर में इन मशीनों की भी सांसें फूलने लगी। नोट इतने ज्यादा थे कि गिनते गिनते मशीनें गर्म हो रही थी जिसकी वजह से उन्हें बार बार बंद करना पड़ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो काम करने लायक होती थी। पूरे दो दिन तक नोटों की गिनती होती रही, तब जाकर आंकड़ा सामने आया 250 करोड़ और उसके बाद फिर मिल गई नई तिजोरी और अभी फिर से वो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। नोटों की गिनती अभी खत्म नहीं हुई है, अभी कौन जीता है पता ही नहीं चला है। भैया समझ लीजिए, कौन जीता पता ही नहीं चला, मतलब किसने इतने सालों तक IT डिपार्टमेंट को चपत लगाई है वो पता ही नहीं चला। देखिए कितना खतरनाक काम चल रहा है, अभी तक नोटों की गिनती खत्म ही नहीं हो रही है, नई पे नई तिजोरियां मिल रही है और कैश बढ़ता जा रहा है, कहां 150 अब कहां 300 पहुंचने वाला है। इसके बाद इस जो 250 करोड़ पहले मिले थे उनको ले जाने के लिए ट्रक मंगवाया गया, ट्रक मंगवाया जा रहा है कैश के लिए। इतना कैश तुम्हारे ख्याल से किसी बैंक में भी नहीं होता। सही बात है। आपको बता दें कि टैक्स चोरी का ये मामला अब तक का सबसे बड़ा मामला है जिसके लिए इतर कारोबारी पीयूष जैन को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट सेक्शन 69 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने के बाद जब आयकर विभाग के अफसरों ने पीयूष जैन से पूछताछ की तब उन्होंने बताया कि ये सारा का सारा पैसा मेरा है जिसे पुश्तैनी सोना बेचकर जमा किया गया था। हालांकि इतना सोना वो कहां से लाए, कहां बेचा सोना, इसके बारे में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। आपको बता दें कि फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि और भी कई बेनामी संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। इसके साथ साथ इनके बेटे प्रत्युष जैन को भी DGGI की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों ये थे पीयूष जैन जिन्हें घर में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के 250 करोड़ की संपत्ति हासिल हुई है। लेकिन आपको बता दें कि कार्रवाई अभी रुकी नहीं है, इससे भी शायद बड़े बड़े आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस कार्रवाई से शायद आपको भी गुस्सा जरूर आया होगा, आपका भी फोन कॉल होगा, क्योंकि टैक्स का पैसा था वो पैसा जिसे आम लोगों के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाना था। शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेरोजगारी ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस तरह के काले धन की वजह से अब तक सॉल्व नहीं हो पाए हैं देश में। भले ही सरकार ने नोटबंदी करके काले धन को वापस लाने की कोशिश बहुत की, लेकिन ऐसी कार्यवाही से साफ समझ में आता कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से विफल रही। पता नहीं ऐसे कितने पीयूष जैन आज भी हमारे और आपके बीच। सही बात है यार। आपको क्या लगता है आपके शहर में कितने होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि असलियत लोगों तक पहुंच सके। कल फिर मिलेंगे एक और आंखें खोल देने वाले अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ओके यार ये वीडियो यहाँ पे खत्म एंड। भैया यार एक बात बताओ, पता है ये वीडियो देखते वक्त ना मेरे दिमाग में वो अजय देवगन सर वाली फिल्म दौड़ रही थी, रेड्स। आई मीन सबने देखी होगी, ठीक है, रेड। जब वो मूवी देखी थी तो भाई साहब उस नेता के घर से, ठीक है, ओ माय गॉड, उसके घर के खंभों में पैसे, जेवरात और मतलब नोटों की गड्डियाँ, चांदी, सोना, हर चीज़ मिला था। तो मुझे तो ये लग रहा जैसे ये रियल लाइफ का वो है, उसका नाम क्या था उनका, उन्होंने
बाप जी या बाबू जी या जो भी ऐसे ही कुछ नाम था, ठीक है, तो ये रियल लाइफ बाबू जी हैं, है ना। और यार इतना पैसा मतलब क्या करोगे इस इतने पैसे का। तुम एक बात बताओ यार, इन्होंने वीडियो में नरेटर ने हमें बताया कि वो अभी भी पुराने स्कूटर पर चलते हैं, पुरानी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, रहन सहन काफ़ी सादा सिंपल साधारण सा है, ठीक है, और मतलब कोई भी लग्जरी ये यूज़ नहीं करते, तो इतना पैसा क्या कब्र में ले जाओगे अपनी, हैं क्या करोगे। मतलब यार ये देश के डेवलपमेंट पैसा था, ठीक है, जिससे गरीबों को अनाज मिलता है, उन्हें शिक्षा मिलती है, ठीक है, और डेवलपमेंट की चीजें होती हैं अदर 300 करोड़ से तक अनुमान ही अभी लगाया जा रहा है, 300 करोड़ तक का अनुमान अभी तक लगाया जा रहा है, एंड इसके आगे भी पता नहीं हो सकता है यार 500,000 कहाँ तक पहुंच जाए भाई, ऐसे लोगों का क्या भरोसा है। और ये जो टैक्स की चोरी इन्होंने की है ना, ए भगवान यार, लाखों करोड़ों लोगों की, ये है हमारे घर में ही घुसे हुए जो विजय माल्या है ना, इंडिया में बैठा हुआ विजय माल्या ये है, ठीक है, वो तो पैसा ले कर यहाँ से भाग गया है, और ये इंडिया में रहने वाले विजय माल्या है। इस टाइप के लोग पता नहीं कितने और हैं, और कितने यार चोर बैठे हुए हैं जो इस टाइप की टैक्स की चोरी अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं। मतलब ये देश हमारे घर की तरह ही है ना, तो अपने ही घर में कैसे चोरी कर रहे हैं, ये हद है यार। और टैक्स हमेशा, मतलब टैक्स ये रहता है कि उस टैक्स को देने वाला, भले ही आपको बुरा लगे कि हाँ यार हमारे कमाई का इतना प्रतिशत जा रहा है, लेकिन वो वापस आपको ही मिलता है डेवलपमेंट के रूप में। तो टैक्स देने में कभी भी आनाकानी नहीं करनी चाहिए। और अगर यार ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, जितना भी हो सके उतना शेयर करें, ओके, और लाइक करिएगा वीडियो अगर आपको रिएक्शन पसंद आया है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।